गुड मॉर्निंग क्लास। दो छोटे छोटे से टॉपिक बाकी थे अपने। कौन से टॉपिक में बाकी थे? चैप्टर नंबर 7, सेक्शन 111, सेक्शन 115। सेक्शन 111 और 115 बुक से रीड करने से पहले अपन समझते हैं होते क्या हैं। तो बेसिकली सेक्शन 111 और सेक्शन 115 ये है किस चीज़ के बारे में, ध्यान से देखना। जो सेक्शन 111 है ना, वो दो तरीके की चीज़ों के बारे में, एक तो स्टेटमेंट के बारे में और दूसरा है रिजोल्यूशन के बारे में। सेक्शन 115 भी रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन कौन सा? फॉर विच स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। अब ऐसे कौन से रेजोल्यूशन होते हैं भाई जिनके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए? सेक्शन 115 डिस्कस करने से पहले पहले 111 देख लेते हैं। सेक्शन 111 बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी कोई मीटिंग करने वाली है, मीटिंग इज टू बी हेल्ड, और मीटिंग करने वाली है कंपनी और मीटिंग करने का नोटिस आपके पास आया, आप कंपनी के मेंबर हो, आपके पास नोटिस आया और आपको लगा कि जिस चीज़ के बारे में कंपनी के एजेंडा में लिखा हुआ है ना, उसमें कोई रिजोल्यूशन ऐसा पास होने वाला है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है और आपको लगता है कि वो कंपनी के हर मेंबर को पता होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को, उस बात को, उस रिजोल्यूशन को समझने के लिए हर मेंबर के लिए, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को हर मेंबर तक पहुंचाना चाहते हो, तो एक स्टेटमेंट बनाकर आप कंपनी को फाइल कर सकते हो और कंपनी को बोल सकते हो उसे मेंबर्स को सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 111 जो भी रिक्विजिट मेजोरिटी होती है मेंबर्स की, कितनी रिक्विजिट होगी? 10%, ठीक है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट, और अगर है ना वोटिंग पावर की बात करें तो 10% ऑफ द वोटिंग पावर एटलीस्ट, 10% ऑफ वोटिंग पावर लिख लेते हैं अपन एटलीस्ट, कम से कम। तो अकेले भी हो सकती है आपके पास या मिलाकर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा है रिजोल्यूशन, अगर आप कंपनी की आगे आने वाली मीटिंग के ऊपर किसी तरीके का कोई रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो तो उस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो कि हम चाहते हैं कि कंपनी के आगे आने वाली मीटिंग के अंदर इस रिजोल्यूशन के ऊपर विचार किया जाए। अब वो रिजोल्यूशन अगर आप प्रपोज करना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको पहले बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? सेक्शन 111 के हिसाब से कंपनी को बताना पड़ेगा। ये सेक्शन 111 है। सेक्शन 115 भी रिजोल्यूशन प्रपोज करने के बारे में, तो सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? देखो फ़र्क है, सेक्शन 111 में आप बाकी किसी तरीके का रिजोल्यूशन पास करो उसके लिए आप बता सकते हो कंपनी को, आप आवेदन कर सकते हो कंपनी से कि मेंबर्स को बता दो आप। लेकिन सेक्शन 115 सिर्फ चार तरीके के रिजोल्यूशंस को कवर करता है, ऐसे रिजोल्यूशंस जिनके लिए स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ती है। कौन से रिजोल्यूशंस होते हैं जिनके लिए स्पेशल नोटिस की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर को हटाना चाहते हो उसके टेन्योर पूरा होने से पहले, या किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, किसी डायरेक्टर को उसका टेन्योर पूरा होने से हटाना चाहते हो, या फिर उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हो, तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। स्पेशल नोटिस कितने मेंबर्स कंपनी को देंगे जब वो स्पेशल नोटिस वैलिड माना जाएगा? 1%। यहाँ पर देखो 10% है, यहाँ पर 1% है सिर्फ। तो सेक्शन 111 115 आप लोगों को कभी कभी कन्फ्यूज कर सकता है कि सर एक जैसी सी तो बातें, नहीं बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। सेक्शन 111 दो पॉइंट को कवर करता है, स्टेटमेंट को भी कवर करता है, रिजोल्यूशन को भी। जैसे कंपनी ने बोला कि इस दिन हमारी मीटिंग है और हम इन इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनके ऊपर रिजोल्यूशन पास करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में आपको लगता है कि यार इस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग तो मुझे भी अच्छी नॉलेज है तो सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए, तो आप एक स्टेटमेंट बनाकर कंपनी को दे सकते हो और कंपनी को सर्कुलेट करने के लिए बोल सकते हो, मेंबर्स को बांटने के लिए बोल सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना है उन चार रिजोल्यूशन के अलावा जो स्पेशल नोटिस रिक्वायरमेंट में आते हैं, तो आप सेक्शन 111 के थ्रू प्रपोज कंपनी को कर सकते हो। सेक्शन 115 अगर आपको चार में से कोई एक रिजोल्यूशन पास करना है, डायरेक्टर को रिमूव या डायरेक्टर की जगह बदलने, ऑडिटर को रिमूव या ऑडिटर की जगह बदलने, तो 1% ऑफ द वोटिंग पावर और 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन केस कंपनी एज द शेयर कैपिटल रिक्वेस्ट करे अगर कंपनी से, तो कंपनी को स्पेशल नोटिस देने पड़ेंगे रिजोल्यूशन पास करने के रिगार्डिंग जो भी एंट्रिंग कंपनी की जनरल मीटिंग होगी उसके ऊपर। अब अपन इनको बुक से डिस्कस करते हैं। 111 115 थोड़ा थोड़ा समझ में आया। 111 दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट कंपनी के रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग सबमिट करना चाहता है और मेंबर में सर्कुलेट करवाना चाहता है तो सेक्शन 111 का इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हैं मेंबर्स तो सेक्शन 111 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 115 भी रिजोल्यूशन प्रपोज करने के बारे में है, लेकिन सिर्फ चार रिजोल्यूशन जिनके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए होता है उनके रिगार्डिंग। 111 115 इन दोनों चीज़ों को कवर करते हैं। तो अपन हमको बुक से पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले सेक्शन 111 देखो,
मेंबर्स एलिजिबल टू मेक रिक्विजिशन, किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो आप? या तो स्टेटमेंट सर्कुलेट करने की या रिजोल्यूशन की। ए कंपनी शैल बी बाउंड टू एक्ट ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स हैज आर एलिजिबल टू कॉल एन ईजीएम अंडर सेक्शन 100 हैज गिवन अंडर। अब देखो इसने बोला कि ईजीएम में जितने मेंबर चाहिए, ईजीएम में कितने चाहिए थे भाई, 10% ही तो चाहिए थे, 1/10 बोल दो चाहे 10 बोल दो, वही है देखो। कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग मोर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल्स, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर और मोर देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, वही सेम चीज़ है। ईजीएम बना बुलाने के लिए भी इतने ही मेंबर्स की रिक्विजिशन चाहिए होती है, तो वही सेम रिक्विजिशन चाहिए आपको सेक्शन 111 के अंदर रिक्वेस्ट करने के लिए। अब क्या क्या रिक्विजिशन कर सकते हो आप 111 में, मैंने बताया था अभी आपको दो। ए द रिक्विजिशन आर इंटाइटल टू प्रपोज एनी रिजोल्यूशन टू द कंपनी एंड रिक्वायर द कंपनी टू मूव सच रिजोल्यूशन एट द एंसुइंग एजीएम। देखो ईजीएम के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हो आप सर्कुलेट करने की, यहाँ पर ईजीएम को हाईलाइट कर लेना। आगे व्हेन ए रिजोल्यूशन इज सो प्रपोज द कंपनी शैल बी बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ सच रिजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स। अगर कंपनी के पास ऐसे रिजोल्यूशन का प्रपोजल आता है तो कंपनी को सारे मेंबर्स को उस रिजोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर टू इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का मतलब कंपनी के अंदर कोई मीटिंग होने वाली है और उसका नोटिस आपको मिला है। अब यहाँ पर देखो जनरल मीटिंग है, यहाँ पर ईजीएम है, कारण बताओ इसका। कारण बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको ईजीएम के ऊपर कोई रिजोल्यूशन पास करवाना है तो आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप अगर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर आपके पास है या 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास है तो आप सीधा ईजीएम बुलाने के लिए बोल दो ना कंपनी को, उसके ऊपर अपने आप रिजोल्यूशन डिस्कस हो जाएगा। अगर कंपनी ईजीएम बुला रही है और आप चाहते हो कि कोई रिजोल्यूशन उसके ऊपर डिस्कस किया जाए, कोई रिजोल्यूशन उसके ऊपर प्रपोज किया जाए, तब ईजीएम बुलाने का पावर तो होता नहीं है ना मेंबर्स के पास। अपने पढ़ा था कि मेंबर्स कौन सी मीटिंग बुला सकते हैं, सिर्फ ईजीएम बुला सकते हैं, मेंबर्स के पास एजीएम बुलाने का पावर नहीं होता है। तो इसीलिए एजीएम आ रही है कंपनी की और एजीएम के ऊपर आपको कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना है, तो फिर कैसे करोगे भाई? फिर प्रपोज करने का तरीका है कि अगर आप 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो इन केस कंपनी डज नॉट हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हो इन केस द कंपनी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किससे? कंपनी से, कि ये रिजोल्यूशन हम आगे आने वाले ईजीएम पर प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप इनको मेंबर्स के बारे में इसको बता दो। दूसरा, अगर कोई भी जनरल मीटिंग है, ईजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उसके रिगार्डिंग आपके पास नोटिस आया, आप कंपनी के मेंबर हो, आपको पता चला अच्छा कंपनी मीटिंग रख रही है, अब आपने चेक किया एजेंडा आता है मीटिंग के नोटिस के साथ, उस एजेंडा में पता चलता है कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है, तो एजेंडा पढ़ा आपने, एजेंडा पढ़ने के बाद आपको लगा किसी टॉपिक के ऊपर, अच्छा इस टॉपिक के ऊपर होगा, तो इस टॉपिक के ऊपर तो आपको भी अच्छा पता है और आप चाहते हो कि कंपनी के बाकी मेंबर्स को भी पता चले, तो आप उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट कंपनी के पास फाइल कर सकते हो। कंपनी को वो स्टेटमेंट सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा। वही सेकेंड वाला पॉइंट है, देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू इन नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग विच इज टू बी डेल्ट विद एट द जनरल मीटिंग, जो कि जनरल मीटिंग के ऊपर डील किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, द रिक्विजनिस्ट आर इंटाइटल टू प्रिपेयर एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर एंड रिक्वायर द कंपनी टू सर्कुलेट सच स्टेटमेंट टू ऑल द मेंबर्स। तो कंपनी से रिक्विजनिस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया जो जनरल मीटिंग करने जा रहे हो ना उसमें इस मैटर के बारे में तो हमें भी पता है और हम ये बात सारे मेंबर्स को बताना चाहते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट बना के कंपनी को दे दो और कंपनी को वो स्टेटमेंट सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड रिक्विजिशन, अब क्या चाहिए आपको वैलिड रिक्विजिशन करने के लिए? कर सकते हो आप रिक्विजिशन, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? साइंड बाय ऑल द रिक्विजनिस्ट, प्लेस ऑफ डिपॉजिट रजिस्टर्ड ऑफिस, डिपॉजिट ऑफ मनी ए सम रीजनेबली सफिशियंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसिस मस्ट बी डिपॉजिट बाई रिक्विजनिस्ट अलॉन्ग विद द रिक्विजिशन। अब देखो तीन चीज़ें आ गई। पहला तो जो भी रिक्विजिशन आप फाइल करना चाहते हो, जितने भी रिक्विजनिस्ट है उन सबको साइन करनी पड़ेगी। आपको सबमिट कहाँ करनी पड़ेगी? वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर सबमिट करनी पड़ेगी और साथ में आपको पैसे देने पड़ेंगे। बोलो पैसे किस बात के सर? कंपनी का खर्चा नहीं लगेगा जो आपने रिजोल्यूशन प्रपोज किया उसके बारे में बताने के लिए, या जो आपने स्टेटमेंट प्रपोज किया उसको सर्कुलेट करने के लिए, तो सर्कुलेशन का खर्चा कौन देगा? वो मेंबर्स को देना पड़ेगा, जो रिक्विजनिस्ट है उनको देना पड़ेगा। जो भी मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें रिक्विजनिस्ट बोला जाता है, उनको वो खर्चा देना पड़ेगा। अगला, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट, वेयर रिक्विजिशन प्रपोजेज ए रिजोल्यूशन, कब तक आप डिपॉजिट कर सकते हो रिक्वेस्ट, कब तक आप रिक्विजिशन दे सकते हो? अगर रिजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, कोई आपको रिजोल्यूशन प्रपोज करना है, तब द रिक्विजिशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज डिपॉजिटेड एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द एजीएम। हाउएवर इफ आफ्टर द रिक्विजिशन इज डिपॉजिटेड विद द कंपनी एंड एजीएम इज कॉल्ड ऑन ए डेट विद इन 6 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रॉपरली डिपॉजिटेड। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो
जिस दिन आपको लगता है ना कंपनी की एजीएम होगी, उसके 6 वीक पहले पहले आप क्या कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो। क्या प्रपोज कर सकते हो? रिजोल्यूशन। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने बोला अच्छा रिजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो, अब आपकी 6 वीक की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? आपने जानबूझकर एजीएम जल्दी बुला ली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी की एजीएम अप्रैल से लेकर 25th अगस्त तक हो सकती है। 25th अगस्त लास्ट डेट है। लास्ट डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने पढ़ा था। 3 तरीके हैं, हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, और पिछली मीटिंग जो आपकी हुई थी उससे नेक्स्ट मीटिंग के बीच में 18 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो तीनों डेट्स को कंसिडर करने के बाद मान लो आपकी 25 अगस्त आती है डेट, तो 25 अगस्त लास्ट डेट है एजीएम की। अब आपको अप्रैल से लेकर 25 अगस्त के बीच में, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 25 अगस्त के बीच में एजीएम करनी होती है। आपने मान लो 11 जुलाई को, 11 जुलाई एग्जैक्टली 6 वीक हो रहेंगे, 6 वीक पहले आपको देना होता है, तो 11 जुलाई 6 वीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 जुलाई को आपने क्या किया, कंपनी को बता दिया रिजोल्यूशन के बारे में। अभी तक कंपनी ने एजीएम वगैरह नहीं की है, तो आपने 11 जुलाई को बता दिया। अब 11 जुलाई 6 वीक पहले है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 6 वीक पहले मीटिंग होने से पहले आपको रिजोल्यूशन के बारे में रिक्विजिशन डालनी पड़ती है, तो कंपनी ने जानबूझ के 15 जुलाई को ही नोटिस दे दिए। 15 जुलाई को नोटिस दे दिए कि आगे 25 दिन बाद में मीटिंग होगी। जैसे 10th अगस्त को, 10th अगस्त को मीटिंग है, 15 जुलाई को नोटिस जारी कर दिए। तो जो 10th अगस्त को मीटिंग है उसको और अगर 11 जुलाई को आप कंसिडर करो, तो 6 वीक तो हुई नहीं गैप में, तो वो आपकी हेडक नहीं है। आपने जिस दिन एजीएम होने वाली थी वो एस्टिमेट करके उसके 6 महीने पहले, वीक पहले क्या दे दिया, रिजोल्यूशन दे दिया। अब कंपनी अगर जल्दी एजीएम बुला लेती है तो भी वो 6 वीक की रिक्वायरमेंट पूरी मानी जाएगी। अगर कंपनी 10 अगस्त को एजीएम बुला लेती है और आपने 11 जुलाई को रिजोल्यूशन प्रपोज किया था, तो आपकी हेडेक नहीं है, आपने अपना काम पूरा किया है। आपका ये नोटिस जो है वो 6 वीक पहले, आपकी जो रिक्विजिशन है वो 6 वीक पहले समझी जाएगी, मानी जाएगी। क्लियर? दूसरा, जहां पर रिजोल्यूशन के अंदर आपको कोई स्टेटमेंट वगैरह सर्कुलेट कराना है, द रिक्विजिशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज डिपॉजिटेड एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग के 2 वीक पहले, कम से कम पहले अगर आप देते हो, जनरल मीटिंग का नोटिस तो 21 दिन पहले आ ही जाता है। अपने पढ़ा था ना जिस दिन मीटिंग होती है उसके और जिस दिन नोटिस देते हो उसके बीच में 21 डेज का क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, प्लस 48 घंटे का टाइम आप एज्यूम करते हो डिलीवरी के लिए, तो वो अलग होना चाहिए। तो ये सब मिलाकर 21 दिन पहले आपके पास नोटिस आ ही जाएगा। तो 21 दिन पहले नोटिस आ गया, तो आपको 2 वीक दिए ना मीटिंग से, तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और अगर मीटिंग लेट है, जैसे आपको नोटिस 26 दिन पहले ही आ गया, तो आप मीटिंग से 2 वीक पहले तक अगर रिक्विजिशन डाल देते हो स्टेटमेंट की, तो वैलिड है। तो अगर आपको रिजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट किस चीज़ की कर रहे हो आप, रिजोल्यूशन की, तो एजीएम से 6 वीक पहले, 6 वीक्स। और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसकी, स्टेटमेंट की, तो एजीएम से 2 वीक्स बैक। इन दिस केस अगर कंपनी जानबूझकर जल्दी एजीएम बुला ले, या कंपनी ने बुला ली एजीएम किसी कारण से जल्दी, तो 6 वीक की रिक्वायरमेंट पूरी मानी जाएगी, चाहे 6 वीक हुए नहीं हो बीच में। आगे, चेक ऑन अब्यूज ऑफ सेक्शन 101, द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द राइट्स कंफर्म्ड अंडर सेक्शन 180 आर बीइंग अब्यूज टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी अप्लाई करे कि भाई ये पर्सन है, ये कंपनी का मेंबर है, इसने रिक्वेस्ट डाली है ये स्टेटमेंट सर्कुलेट करने के लिए, अभी स्टेटमेंट कुछ नहीं है, खाली बिना मतलब की बकवास है, तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि सेक्शन 111 का पावर का एब्यूज किया जा रहा है रिक्विजनिस्ट के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है कंपनी को नॉट टू सर्कुलेट दैट स्टेटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑर्डर दैट रिक्विजिशन शैल पे टू द कंपनी द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन मेकिंग एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट विद स्टैंडिंग दैट रिक्विजनिस्ट वर नॉट ए पार्टी टू एप्लीकेशन। नॉट ए पार्टी टू एप्लीकेशन तो सिंपल सी बात हो गई भाई, अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया है आपके खिलाफ और आपको मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने का जो खर्चा है वो देना पड़ा, तो आपने तो अप्लाई किया ही नहीं है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। अगर कंपनी अप्लाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्विजनिस्ट जो है ना वो गलत फायदा ले रहे हैं सेक्शन 111 का, तो फिर उस केस के अंदर कौन जिम्मेदार होगा कंपनी का खर्चा उठाने का, रिक्विजनिस्ट। ये कौन ऑर्डर दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ₹25,000। अगर कंपनी या कंपनी का ऑफिसर जो भी है वो अगर इन सेक्शंस को फॉलो नहीं करते, 111 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, तो ₹25,000 का जुर्माना लगेगा। अब देखो 111 का एक चार्ट बना लेते हैं अपन, उससे आप लोगों को आसानी रहेगी।
111 का चार्ट क्या करेगा, आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। 111 115 दोनों का बना लेंगे, पहले 111 डिस्कस किया तो उसका बना लेते हैं। सेक्शन 111 है क्या, उसमें क्या क्या है वो सब अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखो सेक्शन 111, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, रिक्विजनिस्ट जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं दो चीज़ों के लिए, एक तो रिजोल्यूशन के लिए और एक दूसरा स्टेटमेंट के लिए। रिजोल्यूशन के लिए आप रिक्वेस्ट किस पे कर सकते हो, एजीएम के लिए। एजीएम के केस में तो आप खुद बना सकते हो। रिक्विजनिस्ट होने कितने चाहिए, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल, और नो कैपिटल अगर कैपिटल ही नहीं है कंपनी में तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। ये एटलीस्ट है दोनों, एटलीस्ट एटलीस्ट, ठीक है। रिजोल्यूशन अगर आप पास करना चाहते हो तो सिर्फ एजीएम के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ईजीएम की बात करो तो ईजीएम तो आप अलग से खुद ही बुला सकते हो मेंबर्स, और दूसरा ये कि एजीएम जो होता है ना वो मेंबर्स के पास बुलाने का पावर नहीं है। तो अगर एजीएम पर आपको कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना है तो आपको कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी इसीलिए। तो रिक्विजनिस्ट एजीएम कितने टाइम पहले, 6 वीक्स बैक, 6 वीक्स बिफोर एजीएम, ठीक है, आप कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको करना है तो आप कोई भी जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना चाहते हो तो 2 वीक्स बिफोर डेट ऑफ जनरल मीटिंग। यहाँ पर जनरल मीटिंग है, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर एजीएम है, यहाँ पर जनरल मीटिंग है, यहाँ पर 6 वीक्स है, यहाँ पर 2 वीक्स है, ये थोड़ा सा देख लेना। एक पॉइंट और, इन केस ऑफ अब्यूज ऑफ सेक्शन 111, अगर सेक्शन 111 का अब्यूज़ किया जाए तो नो सर्कुलेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक दूसरा एक्सपेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी बॉर्न बाय रिक्विजनिस्ट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। स्टेटमेंट सर्कुलेशन रिजोल्यूशन प्रपोज्ड, ये आपका सेक्शन 111 की समरी है। रिक्विजनिस्ट सेक्शन 111 के मुताबिक रिजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, स्टेटमेंट सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्विजनिस्ट होंगे कितने, 1/10 होने चाहिए। इसके अलावा कहाँ पर होने चाहिए, साइंड बाई ऑल, और क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी रिक्विजिशन की, दूसरा एट रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट सिग्नेचर, ठीक है, ये सब होना चाहिए आपका। और टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये वाली 6 वीक और 2 वीक, ये सब आपके सेक्शन 111 की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर 111 आपका पूरा होता है। सेक्शन 115 और डिस्कस करते हैं आप। सेक्शन 115 भी इस रिजोल्यूशन प्रपोजल के बारे में है, लेकिन वो किसका है, स्पेशल नोटिस जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, देखते हैं। सेक्शन 115, When is special notice required? Any provision contained in Act may provide that special notice shall be required move a resolution at general meeting. Any provision contained in the articles of a company may provide that special notice shall be required to move a resolution at general meeting. आगे आर्टिकल्स में प्रोविजन हो सकता है, आपके एक्ट में प्रोविजन हो सकता है कि कोई भी रिजोल्यूशन अगर आपको कंपनी में मूव करना है ना तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर कंपनी में अगर आपको इस रिजोल्यूशन के को लेकर आना है किसी भी मीटिंग के ऊपर तो मेंबर से स्पेशल नोटिस कंपनी के पास आना चाहिए, तभी कंपनी वो रिजोल्यूशन लेकर आ सकती है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल नोटिस, इफ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव ए रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। अब देखो यहाँ पर जनरल मीटिंग है, ऊपर अपने रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग एजीएम पढ़ा था, यहाँ पर जनरल मीटिंग क्यों पढ़ रहे, ध्यान से समझना। ऊपर की जो रिक्विजिट मेजोरिटी थी ना वो 1/10 थी, तो अगर आपको ईजीएम के ऊपर कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना होना जिसके लिए स्पेशल नोटिस नहीं चाहिए तो उसके लिए तो आप ईजीएम ही बुला लो। 1/10 मेजोरिटी आपको रिजोल्यूशन के लिए चाहिए थी सेक्शन 111 में, 1/10 की मेजोरिटी आपको किसके लिए चाहिए होती है, ईजीएम बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रिक्विजिट मेजोरिटी होगी ना वो 1% होगी, या 5 लाख ऑफ पेडअप कैपिटल, ठीक है। तो 1% अगर आप हो
और आपको कोई ईजीएम होने वाला है, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना होना जिसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए, तो 1% भी काफी है, 10% की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कंपनी कोई ईजीएम करने वाली है, ईजीएम, मैं ईजीएम की बात नहीं कर रहा, एजीएम करने वाली हो चाहे ईजीएम करने वाली हो कुछ भी हो, तो कंपनी कोई मीटिंग करने वाली है चाहे वो ईजीएम हो चाहे एजीएम हो, और मैं चाहता हूँ कि किसी डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाए, मेरे पास कंपनी के वोटिंग पावर का 2% है, तो क्या मैं कंपनी को अकेले ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? 10% तो चाहिए 111 में और 1% चाहिए 115 में, तो मैं अकेले भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास 10% वोटिंग पावर नहीं इकट्ठा हुआ, मेरे पास आके लोग नहीं जुड़े जो बोले कि हाँ इस डायरेक्टर को हटाओ, मैं अकेला ही हूँ, 2% वोटिंग पावर है मेरे पास, ये मेरे साथ दो तीन जन और मिलाकर है, हम लोगों के पास मिलाकर 2% वोटिंग पावर है, तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं? यस। क्या हम ईजीएम बुला सकते हैं? क्या? नो, क्योंकि ईजीएम बुलाने के लिए कम से कम 10% चाहिए। इसीलिए जब अपन ऊपर रिजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हैं सेक्शन 111 में, तो सिर्फ आप ईजीएम के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपको ईजीएम के अलावा अगर मेजोरिटी को रिजोल्यूशन पास करना हो तो 10% वोटिंग पावर होने पर आप सीधा ईजीएम ही बुला लो, ठीक है? इसीलिए रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट अगर स्पेशल नोटिस के साथ है, तो कोई भी जनरल मीटिंग हो अगर रिक्विजिट मेजोरिटी रिक्विजिशन डालती है कंपनी को कि हमें स्पेशल नोटिस देना है इस चीज़ के बारे में, हम चाहते हैं रिजोल्यूशन मीटिंग में डिस्कस हो, तो कंपनी को वो मीटिंग में डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। इफ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू मूव ए रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, देन द नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच ए रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सम सब नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख सच हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैव बीन पेड अप। मतलब या तो आपके पास ₹5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल हो या आपके पास टोटल वोटिंग पावर का 1% हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप रिक्विजिशन डाल सकते हो। टाइम लिमिट फॉर गिविंग स्पेशल नोटिस एंड साइनिंग रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल नोटिस रूल 23 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। इफ स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू मूव ए रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग देन नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग बट एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच सच नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब 14 दिन का गैप होना चाहिए, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो वो भी काउंट नहीं होगा, जिस दिन कंपनी की जनरल मीटिंग है वो भी काउंट नहीं होगा, उसके बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए। या तो आप 3 महीने से 3 महीने पहले दे सकते हो, मैक्सिमम आप कितना पहले दे सकते हो 3 महीने, और मैक्सिमम लेट कितना दे सकते हो 14 दिन, तो 3 month से लेकर 14 days किसे डेट ऑफ जीएम, ये आपका टाइम पीरियड है, इस पीरियड के बीच में दे सकते हो, उससे पहले ना, इसके बाद ना, ठीक है? और 14 डेज का भी क्लियर गैप होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ जनरल मीटिंग नहीं आएगी और जिस दिन आपने नोटिस दिया है उस वो डेट भी काउंट नहीं होगी। साइंड बाय, ये स्पेशल नोटिस साइन किसके दोनों होनी चाहिए, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और मेंबर्स होल्डिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन ₹5 लाख। या तो आपके पास टोटल वोटिंग पावर का 1% है या आपके पास ₹5 लाख की मिनिमम पेड अप कैपिटल है। अगर आपके पास वोटिंग पावर का 1% भी नहीं है लेकिन आपके खुद के पास 10 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो स्पेशल नोटिस देने के लिए। नोटिस टू बी गिवन टू मेंबर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस द कंपनी शेल गिव नोटिस टू द ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन टू ऑल द इट्स मेंबर्स इन सच मैनर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। क्या मैंने प्रिस्क्राइब कर रखा है, देखो रूल 23 में बता रखा है, द कंपनी शेल गिव नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच सच नोटिस इज गिवन एंड द डे ऑफ जीएम। द नोटिस शैल बी गिवन इन सेम मैनर इन विच द कंपनी गिव्स नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू गिव द नोटिस इन सेम मैनर हैज इट गिव्स नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग देन द नोटिस शैल बी पब्लिश एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एंड द डे ऑफ जनरल मीटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज पेपर एंड वेनेक्युलर लैंग्वेज इन वेनेक्युलर न्यूज पेपर बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एंड सच नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी। अब देखो क्या बोला गया है, अगर कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आता है तो स्पेशल नोटिस अगर आ गया कंपनी के पास तो कंपनी को जिस दिन मिला है उसको छोड़ो, जिस दिन आपकी जनरल मीटिंग है ना उसके कम से कम 7 दिन पहले उस सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से आप जनरल मीटिंग का नोटिस सर्कुलेट करते हो। अगर 7 दिन का आपके पास वक्त नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस तरीके से सर्कुलेट करना, तो आपको 2 न्यूज़पेपर, एक वेनाक्युलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, जिनका स्टेट वाइड सर्कुलेशन हो, मतलब जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट में पूरे में वो दोनों न्यूज़पेपर जाते हो, वहाँ पर आपको वो देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान में है तो राजस्थान की लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, मारवाड़ी लैंग्वेज नहीं है भाई, हिंदी,
और दूसरा वो तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो गई, और दूसरा कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरे राजस्थान में जाता हो और जो भी हिंदी न्यूज़पेपर पूरे राजस्थान में जाता हो, आपको उनमें सर्कुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि मेंबर से स्पेशल नोटिस आया है, इसीलिए कंपनी इस चीज़ के बारे में आगे आने वाली जनरल मीटिंग में डिस्कस करेगी 7 दिन पहले। और 7 दिन में जिस दिन आपने नोटिस दिया है, और अगर आप नोटिस नहीं दे पाए, आपने पब्लिकेशन किया है, तो पब्लिकेशन या नोटिस की डेट काउंट नहीं होगी और जनरल मीटिंग की डेट काउंट नहीं होगी। उसके अलावा 7 दिन होने चाहिए, क्लियर डेज होने चाहिए 7। कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट है एक्ट के मुताबिक जिनके लिए स्पेशल नोटिस कंपलसरी है? पहला, ए रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ए पर्सन अदर देन द रिक्वायर रिटायरिंग ऑडिटर हैज एन ऑडिटर एट द जनरल मीटिंग। रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा आप किसी आर को आप अपॉइंट कर रहे हो। ए रिजोल्यूशन फॉर एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। जो भी ऑडिटर रिटायर हो रहा है, वापस रीअपॉइंट नहीं होगा। इसके बारे में, ए रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग ए डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ए रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग ए डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ ए डायरेक्टर रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस एट द मीटिंग विच द डायरेक्टर इज रिमूव्ड। एक डायरेक्टर को रिमूव करके आप किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, एक डायरेक्टर को आप उसका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही रिमूव कर रहे हो, ऑडिटर बदल रहे हो या ऑडिटर हटा रहे हो। इन चारों में से कोई भी तरीके अगर आपको रिजोल्यूशन पास करना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस चाहिए, ठीक है? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तो अब 115 को एक बार समराइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। सेक्शन 115 है क्या? सेक्शन 115 है रिक्विजिशन या नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब इसको 3-4 भागों में तोड़ लेते हैं। पहला, रिजोल्यूशंस, कौन कौन सी रिजोल्यूशंस को स्पेशल नोटिस चाहिए? एक, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अगर आप रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो कि ये वापस अपॉइंट नहीं होगा। दूसरा, चेंजिंग द ऑडिटर, अगर आप जो ऑडिटर रिटायरिंग ऑडिटर है उसकी जगह कोई और ऑडिटर कर रहे हो, चेंजिंग ऑफ ऑडिटर। तीसरा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर आप डायरेक्टर उसकी टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटा रहे हो। चौथा, रिप्लेसिंग द डायरेक्टर, अगर आप किसी डायरेक्टर को हटाकर उसकी जगह दूसरे किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करें, तो रिप्लेसिंग ऑफ डायरेक्टर। इन चार के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए हैज पर एक्ट, प्लस एनी अदर प्रोविजन फॉर विच स्पेशल नोटिस इज मेंशन्ड। इन AOA, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में किसी और स्पेशल एनी अदर प्रोविजन की जगह पर एनी अदर रिजोल्यूशन ले लेते हैं, कोई और रिजोल्यूशन पास करना है और उसके लिए आर्टिकल्स में लिख रखा है कि अगर आप ऐसी कोई रिजोल्यूशन को पास करते हो तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी चाहिए। स्पेशल नोटिस बाई होम, मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ द वोटिंग पावर और 5 लाख ऑफ पेडअप कैपिटल। या तो आपके पास 5 लाख की पेडअप शेयर कैपिटल है, या आपके पास टोटल वोटिंग पावर का 1% है, तो आप रिक्विजिशन डाल सकते हो, आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो। कब देना पड़ेगा? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अब देखो, मैं यहाँ पर जनरल मीटिंग डाल रहा हूँ। जनरल मीटिंग का मतलब दोनों हो सकती है, एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है, ठीक है ना? ठीक है, एक्सक्लूडिंग डे ऑफ नोटिस एंड मीटिंग, जिस दिन आपने नोटिस दिया है और जिस दिन मीटिंग है उसका दिन हटा दो। कंपनीज ड्यूटी, कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है भाई इसके बारे में? पहला, सर्कुलेट नोटिस। किसको सर्कुलेट करेंगे नोटिस? ऑल द मेंबर्स, टू ऑल द मेंबर्स
कितने दिन पहले? एटलीस्ट 7 days बिफोर। डेट ऑफ जनरल मीटिंग एक्सक्लूडिंग डे ऑफ नोटिस एंड मीटिंग, जिस दिन कंपनी ने नोटिस देकर बताया है, सर्कुलेट किया है, उससे के दिन को, और जिस दिन मीटिंग का दिन, उसको काउंट नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलेशन ऑफ नोटिस इज नॉट पॉसिबल। कब देंगे एडवर्टाइजमेंट? जब सर्कुलेशन नोटिस का पॉसिबल नहीं है तब। वही सेम रूल है, 7 दिन पहले देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? एटलीस्ट 7 days बिफोर डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग के 7 दिन कम से कम पहले देना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब देखो, यहाँ पर नोटिस की डेट नहीं आएगी। नोटिस तो दे ही नहीं रहे ना आप क्या कर रहे हो? पब्लिश कर रहे हो। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी के पास मेंबर्स से नोटिस आ चुका है कि ये करो आगे आने वाली जनरल मीटिंग पर, तो कंपनी को भी आगे नोटिस मेंबर्स को देना पड़ता है। अब कंपनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 7 दिन पहले नोटिस दे दे मेंबर्स को, जैसे उन्होंने जनरल मीटिंग का नोटिस दिया था वैसे के वैसे बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिकेशन कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट डाल सकती है। 7 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट डालना पड़ेगा मीटिंग के, और उसमें मीटिंग का डेट और पब्लिकेशन का डेट इंक्लूड नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड मीटिंग, मीटिंग का और पब्लिकेशन का डेट इंक्लूड नहीं होगा। 7 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब कौन से न्यूज़पेपर में आएंगे? वेनाक्यूलर प्लस इंग्लिश, और दोनों का सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए? स्टेट वाइड। ठीक है, तो सेक्शन 115 एक बार समराइज कर देते हैं। सेक्शन 115 बोल रहा है कि कोई भी कंपनी, अगर मान लो कोई भी कंपनी के पास, मान लो अगर ऐसे किसी रिजोल्यूशन को प्रपोज करने का नोटिस आता है जिस रिजोल्यूशन को प्रपोज करने के लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। कौन से नोटिस, कौन से रिजोल्यूशंस के लिए चाहिए? अगर आप किसी डायरेक्टर को उसका टेन्योर पूरा होने के पहले हटा रहे हो, किसी डायरेक्टर को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, रिटायरिंग ऑडिटर को वापस से अपॉइंट नहीं करोगे, या रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, इन 4 में से अगर आप कोई भी रिजोल्यूशन पास करते हो तो उसके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए। स्पेशल नोटिस देगा कौन? मेंबर्स जिनके पास 1% वोटिंग पावर हो, या 5 लाख की पेडअप शेयर कैपिटल हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन वो पूरी करता हो, वो स्पेशल नोटिस के लिए बोल सकता है। कैसे बोलेगा? उसे स्पेशल नोटिस के लिए कम से कम 14 दिन पहले बोलना पड़ेगा। कितने दिन पहले बोलना पड़ेगा? 14 days बिफोर। कौन सी डेज के पहले? जनरल मीटिंग की जो डेट है उसके 14 दिन पहले बोलना पड़ेगा, और उसमें भी जनरल मीटिंग की डेट और जिस दिन आपने नोटिस दिया है वो अलग से होना चाहिए। मतलब 14 दिन का गैप होना चाहिए। आज अगर मैंने नोटिस दिया है और जनरल मीटिंग जो है उसके बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए। ना तो नोटिस का दिन गिना जाएगा, ना जनरल मीटिंग का दिन गिना जाएगा। अगर कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आ गया मान लो, फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सर्कुलेट करना पड़ेगा वो नोटिस। किसको? सारे मेंबर्स को। किस तरीके से? जिस तरीके से आपने जनरल मीटिंग का नोटिस दिया था वैसे सारे मेंबर्स को इस स्पेशल नोटिस के बारे में भी बताना पड़ेगा। 7 दिन पहले बताना, और उसमें भी डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ नोटिस जो कंपनी सर्कुलेट करेगी वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से, मान लो कंपनी के 1 लाख मेंबर्स हैं, तो 1 लाख मेंबर को वापस से नोटिस भेजना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए उस केस में कंपनी को अलाउड है कि अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है नोटिस को सर्कुलेट करना, तो कोई बात नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट कर दो। एडवर्टाइजमेंट 2 न्यूज़पेपर में करना पड़ेगा, वेनेक्यूलर लैंग्वेज में वेनेक्यूलर न्यूज़पेपर में, और इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जिनका स्टेट वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए। कहाँ पर? ऑब्वियसली जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्कुलेशन होना चाहिए उन दोनों का। यही 7 दिन पहले देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट कम से कम पहले। और अब पब्लिकेशन जिस दिन किया है वो डेट, और जिस दिन आपकी मीटिंग की डेट है वो एक्सक्लूड होगी। क्लियर है? ये सब अपन ने पढ़ा है सेक्शन 115 में। तो सेक्शन 111, अगर आपको कोई आगे आने वाली जनरल मीटिंग के ऊपर कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है कोई किसी कंटेंट के रिगार्डिंग, या फिर आपको आगे आने वाली एजीएम के ऊपर कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना है, तो सेक्शन 111 के हिसाब से 10% ऑफ द वोटिंग पावर अगर कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है तो, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द टोटल ये है ना पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी से। रिक्विजिशन कब किया जाएगा? रिजोल्यूशन के केस में 6 वीक पहले मीटिंग के,
और है ना स्टेटमेंट के केस में मीटिंग से 2 वीक पहले कम से कम, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी के जो सेक्शन 101 का मेंबर्स गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, रिक्विजेंट्स गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड होता है कंपनी की बात से, तो सर्कुलेट करने के लिए मना कर सकता है। प्लस वो कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं अप्लीकेशन के, वो रिक्विजनिस्ट को पे करने के लिए बोल सकता है। रिक्विजनिस्ट अप्लीकेशन कैसे डाल सकते थे सेक्शन 111 में? साइन करके किसको दे सकते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस भी देने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ सर्कुलेशन अलोंग विद एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर आपको रिक्विजनिस्ट डिपॉजिट करनी पड़ेगी विद सिग्नेचर ऑफ ऑल द रिक्विजनिस्ट, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा था सेक्शन 111 में, और सेक्शन 115 अपन ने अभी भी कंप्लीट किया ही है। तो सेक्शन 111, सेक्शन 115 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसके बाद आगे के टॉपिक्स के लिए अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय।